सो गाइस, ये वीडियो है मेरे बर्थडे के 2 घंटे पहले। तो मैं मम्मी का मोबाइल देख रहा था और अचानक मेरे को खड़ाटों की आवाज़ आई। और वो खड़ाटे कौन मार रहा था वो मेरे को पता तो नहीं है, पर मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। क्या वेलकम टू दावेवाला एंड माय नेम इज शुभ। सो गाइस, अभी हो रहा है 11:15, मतलब 11:45, और 15 मिनट बाकी है मेरे बर्थडे को आने में। तो 15 मिनट बाद 12 o'clock हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो नेक्स्ट डे शुरू और मेरा बर्थडे भी शुरू। तो मैंने बोला था मैं कौन उठे रहेगा, पर मेरे को फिर नींद तो बिल्कुल नहीं है। तो मैंने मम्मी का मोबाइल पकड़ा, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा देखा, फिर उसके बाद मैं व्लॉग शुरू करता हूँ। अभी तो 15 मिनट बाकी है और आपको प्रूफ भी कराने के लिए अभी लाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हो। अरे बंद हो गया। सो गाइस, आप देख सकते हो 23:44, तो 15 मिनट बाकी है सिर्फ। और मम्मी और मैं ही सिर्फ उठे हुए हैं, पापा और दीदी तो सो गए। तो पापा को हम तो 12 बजे उठा देंगे, पर मैं तो लगभग 9 बजे से उठाई हुआ हूँ। जब मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो गई तो फिर उस समय से मैं उठा हुआ हूँ। तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपने बर्थडे के लिए, और मैं धीरे से बोल रहा हूँ क्योंकि लोग सोए होंगे शायद से, तो धीरे तो होना पड़ता है कुछ भी हो रात के समय। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम बस उठूँगा अकेले, मतलब अकेले नहीं उठूँगा अपने बर्थडे में, वो भी पहले। और ये मेरा सेकेंड टाइम है रात के 12 बजे तक उठ रहा, फर्स्ट टाइम न्यू ईयर का था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना, न्यू ईयर वाला वीडियो। और आज है सेकेंड टाइम, तो आपको मिलता 12 बजे या 12 बजने में 2 मिनट। मेरे बर्थडे को सिर्फ 4 मिनट बाकी है, अभी मेरे बर्थडे को सिर्फ 3 मिनट। पापा आशीर्वाद। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो आज है मेरा बर्थडे, तो अभी मैं आया था खेल के, तो फ्लैग हॉस्टिंग तो हो चुकी है, तो आपको थोड़ी देर बाद दिखा लूँगा। तो वैसे अभी तो मैं खेलने ही आया था 2 बजे, तो अभी मैं वापस आया हूँ। और फिर जब मैं अभी पानी पी रहा था तो मेरे हाथ में लग गई चोट की, यहाँ पर थोड़ा सा सूज गया है, दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा सूज गया, दर्द दे रहा है, बॉटल से लग गई मेरे को। तो अभी थोड़ी देर बाद हम जाएंगे उसके लिए, मतलब केक कटिंग के लिए बाहर। और आपको मैं अपने न्यू क्लोज भी दिखाऊंगा, और मैं आपके लिए उस समय एक सरप्राइज भी है। वो सरप्राइज क्या है वो आपको केक कटिंग के समय ही पता चलेगा। गाइस, बहुत चुके हैं अवर डेस्टिनेशन, तो मैं बस यही पहन रहा हूँ और ये है मेरा क्लोथ तो बर्थडे का। तो हम बहुत चुके हैं और मैं लेफ्ट हैंड से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा होगा। तो हम बहुत चुके अपने जगह जंगल में, तो वहाँ पर एक प्लेन आता है। मम्मी कहाँ से प्लेन दिख रहा है, वहाँ पर चले, चलो आओ। गाइस, यही था मेरा सरप्राइज। ओ, मैंने तो मास्क अपना खोल दिया और आपको मैंने अपना फेस दिखा दिया। तो मैंने सोचा था कि आज, अरे यार पोटी हट्टी कर रखा है, तो मैंने सोचा था कि आज बर्थडे है तो बर्थडे में भी फेस रिवील कर लेता हूँ। मैंने सोचा तो नहीं था, मम्मी पापा ने बोला कर दे, तो कर रहा हूँ। तो कहीं इधर उधर जाता हूँ और आप लोग को सीनरी दिखाता हूँ, और ये है मेरा फेस, देख लो। ये पूरा जंगल ही है और वहाँ पर खेत हो रहा है, तो मेरे को लगा वो पूरा ग्राउंड है लंबा सा, मतलब नॉर्मल, पर फिर पता चला कि वो पूरा खेत है और वहाँ पर मिट्टी है। दीदी दीदी दीदी, चलो भाई सब केक कटिंग करते।
रिपब्लिक डे। तो आज है 73rd रिपब्लिक डे और आज है मेरा बर्थडे। तो आज मेरा 10th बर्थडे और मैं 10 साल का हो गया और अभी तक मेरे को रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं मिली है। पर अब मेरे को चुनाव लड़ने पड़ेंगे और मम्मी पापा को बोलने पड़ेंगे कि मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए क्योंकि मैं 10 साल का हो गया हूँ। रिपब्लिक डे और आज है 73 रिपब्लिक डे। और पापा और क्या बोलना था? हैप्पी रिपब्लिक हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज है 76 क्या है 73 पता है मैं सुपार